नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कर्मचारी जर्जर आवास में रहने को मजबूर, खबर फतेहपुर 84 उन्नाव से। विकासखंड परिसर में ब्लॉक के कर्मचारियों के आवास पूरी तरह जर्जर व जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। दीवारों में दरारें आ गई हैं, छत से प्लास्टर गिर रहा है, कई आवास तो गिरने के कगार पर हैं। इससे ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। विकासखंड फतेहपुर 84 की स्थापना करीब 1958 में हुई थी। यहाँ पर बीडीओ, एडीओ, बाबू और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिला करीब एक दर्जन से अधिक आवासों का निर्माण ब्लॉक के भवन के साथ कराया गया था। ब्लॉक परिसर में बने आवासों में ही रहकर कर्मचारी दिन भर काम करते थे। आवासों की समय समय पर मरम्मत न हो पाने के कारण कुछ ही वर्ष बाद जर्जर हो गए। साथ ही इन सभी जर्जर तो कंडम घोषित कर गया। इन सभी आवासीय भवनों की छतों और दीवारों से प्लास्टर टूट टूट कर नीचे गिर रहा है, वहीं फर्श भी ध्वस्त है। बारिश के दिनों में छतों से पानी टपकता है, जिसका परिणाम ये है कि सभी आवास रहने के लायक नहीं रह गए हैं। ऐसी स्थिति में ब्लॉक में कार्यरत वीडियो व अन्य कर्मचारियों को आवास के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। 69 ग्राम पंचायत वाले इस ब्लॉक में तैनात अधिकारी व कर्मचारी किराए के कमरे में रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों से आवास निर्माण की मांग की जा रही है। ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद व बीडीओ ने बताया कि जो आवास मरम्मत के लायक हैं, उनको सुधरवाया जाए। जो बिल्कुल ही अप्रयोज्य हो गए हैं, उनकी जगह नए भवन बनाए जाने की कवायद शुरू की जाए। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में।